दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में आ चुके हैं या फिर आना चाहते हैं, तो दोस्तों एक अच्छा मुनाफा कमाने के लिए, एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए आज मैं आपको तीन ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। पहली बात ये कि दोस्तों शेयर मार्केट में सिर्फ बाय नहीं होता, सेल भी होता है। आप बोलोगे इसमें क्या नई बात है, मुझे पता है बाय होता है और फिर सेल होता है जब हमें प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों ये आपका कंसेप्ट है, ये आप लोग जानते हैं अभी तक। चलिए मैं आपको थोड़ा चेंज यहां पे दिखाता हूं बोर्ड के ऊपर कि मेरे कहने का मतलब क्या है। दोस्तों देखिए, अभी तक जो लोग जानते हैं, यानी कि जब तक हम स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं करते हैं या फिर एंट्री कर लेते हैं किसी दोस्त के कहने पे भी और हमारा दोस्त ही सब कुछ करता रहता है, तो दोस्तों उन लोगों का जो कंसेप्ट है या बेसिक लोगों का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। तो देखिए, लोगों को सिर्फ इतना पता है कि स्टॉक मार्केट में बाय होता है। समझ लीजिए, एक एबीसी कंपनी थी, उसका स्टॉक था 110 रुपए का, हमने बाय किया 110 में, उसको हमने बाय किया और जब उसका प्राइस ऊपर गया, कहां चला गया, 120 रुपए चला गया, तो हमको यहां पे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ और हमने यहां पे स्टॉक को सेल कर दिया, है ना। ये एक कंसेप्ट है जो आज तक लोग जानते हैं कि बाय किया 110 में, 120-30 जब प्रॉफिट हुआ तो बेच दिया, तो ये हो गया सेल। लेकिन दोस्तों अब मेरे जो कहने का मतलब है वो ये है कि देखिए, जिस तरह से आपने यहां पे बाय किया उसी तरह से आप स्टॉक को सेल भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां पे बाय नहीं किया था, आपने स्टॉक के प्राइस को देखा, स्टॉक का प्राइस चल रहा था 120 रुपया, आपको लगा स्टॉक नीचे जाएगा, स्टॉक नीचे जाएगा 90-80 तक, तो आपने क्या किया, आपने 120 रुपए का इसको बेच दिया, स्टॉक यहां से नीचे आया और सीधा 80 रुपए का हो गया। आपने 120 में बेचा, 80 रुपीस का हो गया, तो दोस्तों नियर अराउंड 40 रुपीस का आपको यहां पे प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे जब मेरे पास स्टॉक था ही नहीं तो मैंने कैसे बेच दिया, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से आप स्टॉक को बाय करते हैं तो क्या स्टॉक आपकी जेब में आ जाता है, ऐसा नहीं होता ना, सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसैक्शन ही होती है ना। उसी तरह से जिस तरह से आप बाय करते हैं, स्टॉक ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होता है, दोस्तों उसी तरह से आपके पास शेयर होना या ना होना मैटर नहीं करता, आपने बस उसको बेचना है या खरीदना है, ठीक है, दो चीजें हैं, बेचना है या फिर खरीदना है। तो अगर आप 120 पे बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, बस उसमें शर्त इतनी होगी कि स्टॉक का प्राइस नीचे आना चाहिए। जिस तरह से आप बाय करते थे और ऊपर जाता था तो आप बेच देते थे तो आपको प्रॉफिट होता था, उसी तरह आप सेल करके भी पैसा बना सकते हो और जब वो प्राइस नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। तो यहां पे ये मैटर नहीं करता आपके पास शेयर है या नहीं, मैटर ये करता है कि आप क्या पोजीशन बनाना चाहते हैं, सेल की तरफ या बाय की तरफ। तो काफी सारे लोगों को इस चीज का नहीं पता होता है और लोग सिर्फ ये सोचकर मार्केट में आते हैं कि यहां पे सिर्फ बाय करना है और ऊपर जाके सेल करना है। अगर आपको ये चीज पता थी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता थी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरी, अब दूसरी बात यह है कि दोस्तों ये जो टाइम है, यहां पे काफी सारे लोगों को इस चीज का भी नहीं पता कि हम लोग 110 में बाय करते हैं, 120 में सेल करते हैं, 120 में सेल करते हैं तो नीचे कोई बाय करता है, लेकिन इसका टाइम पीरियड कितना है। काफी सारे लोगों को सिर्फ ये लगता है कि हाँ भाई आज बाय करना है और हफ्ते, दो हफ्ते, महीने, तीन महीने, या फिर काफी सारे लोगों का कंसेप्ट है कि एक साल, दो साल के लिए इन्वेस्ट करके रखो और फिर जाके प्रॉफिट जो है वो होता है। तो दोस्तों ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा। आपको स्टॉक मार्केट में इतना वेट करने की जरूरत नहीं है, आज ऐसी ट्रांजैक्शनें होती हैं। देखिए, आप मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है तकरीबन 9:15 पे आप ट्रेडिंग नॉर्मल शुरू कर सकते हो, ठीक है। आप 9:15 पे किसी स्टॉक को बाय कीजिए 101 रुपए में और अगर स्टॉक का प्राइस 110, 112 रुपए हो जाता है तो आप उसी क्षण बेच सकते हो। दोस्तों काफी सारी मूवमेंट होती है, आप हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग की वीडियोस देखिए जिसमें मैंने 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 45 मिनट के अंदर स्टॉक को बेचा और खरीदा है। तो यहां पे आपको बता दूं कि स्टॉक में प्रॉफिट कमाने के लिए आपको महीने, दो महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। आप एक मिनट, आप दो मिनट,
आप 3 मिनट, आप 5 मिनट, आप 1 घंटा, आप 2 घंटा, आप 3 घंटा, जितना आपको लगता है कि जब तक आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तब तक आप बने रहिए। जब आपको लगता है जितना मुझे प्रॉफिट चाहिए उतना मिल गया तो आप निकाल सकते हो। मार्केट अलग अलग टाइप की है, कुछ कमोडिटी मार्केट है वो 11:30 तक चलती है, करेंसी मार्केट 4 बजे के करीब तक चलती है, हमारी जो इक्विटी मार्केट है वो 3:30 बजे तक चलती है। तो डिपेंड करता है आप कहां पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर इक्विटी वगैरह में ट्रेड करते हैं तो आप 3:30 बजे तक जितना आपको प्रॉफिट वगैरह होता है वो आप जो है समेट कर निकल जाइए, लॉस करके निकल जाइए, ये आप पे निर्भर करता है। जो हम ये ट्रेडिंग करते हैं 1 मिनट, 2, 3, 5 मिनट या 1 घंटे के अंदर बेचना खरीदना, इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। याद रखिए, इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और हाँ, काफी सारे लोगों को ये भी लगता है कि क्या हमने स्टॉक बेचा और 1 मिनट के बाद हमें बायर मिल जाएगा, तो दोस्तों मेरी आप इंट्राडे की वीडियोस देखिए, वहां पे देखिए कितने कितने सेलर बैठे होते हैं, कितने कितने बायर बैठे होते हैं। देखिए, एक सर्किट होता है, वो जब लग जाता है तो तब बायर सेलर की थोड़ी कमी हो जाती है, मतलब एक सर्किट लग जाता है तो आपको बायर ही नहीं मिलेगा, हो सकता है ऊपर का सर्किट लग जाए तो आपको सेलर ही नहीं मिले, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, तो वो सर्किट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो दूसरी बात थी वो ये कि आप स्टॉक को 1 मिनट 3 मिनट यानी कि इंट्राडे के अंदर वर्क करना चाहे, प्रॉफिट कमाना चाहे तो कर सकते हैं। ये बात भी काफी सारे लोगों को नहीं पता होती, अगर आपको पता थी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब गौर फरमाते हैं तीसरी बात पे। दोस्तों देखिए, स्टॉक मार्केट में सिर्फ लोगों को यह पता है कि स्टॉक को बाय करना है और ऊपर जब जाए तो सेल करना है, सिर्फ इतना ही कंसेप्ट जो है लोगों को पता है। लेकिन आपको क्या यह पता है कि स्टॉक को बाय कब करना है, स्टॉक को सेल कब करना है? आपका यह माइंड डिसीजन कैसे बनेगा कि स्टॉक को 110 में ही बाय करना है? आपको यह क्यों नहीं लगेगा कि स्टॉक को 120 में बाय करना है? कैसे इस चीज का पता लगाते हैं, मतलब स्टॉक को 110 में बाय करना है, 120 में बाय करना है और स्टॉक 150 तक जाएगा, 160 तक जाएगा या 1000 तक जाएगा? जैसे एमआरएफ का शेयर आज 70,000 का हो गया है, टीवीएस मोटर का 300-400 रुपया चल रहा है, ठीक है, इंफोसिस का 800 रुपया चल रहा है, तो नीचे से चलना शुरू हुए। दोस्तों इस चीज को पता लगाने के लिए 2 तरीके होते हैं, कंपनीज की स्टडी करना, एक फाइनेंशियल फंडामेंटली तरीके से जानना जो कि नॉर्मल लोगों को पता होता है कि कंपनी के फंडामेंटल, उसके पास जो कैश फ्लो है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इसके बारे में स्टडी करो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो और फिर पैसा बनाओ। लेकिन काफी सारे लोगों को यह नहीं पता कि मार्केट में काम करने के लिए आजकल जो हम टेक्निक अप्लाई करते हैं उसे कहते हैं टेक्निकल स्टडी। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, कोई बात नहीं, टेक्निकल स्टडी जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और डेली बेसिस पे प्रॉफिट कमाते हैं, आप हमारे इंट्राडे की वीडियोस भी देख लीजिएगा। तो टेक्निकल स्टडी जो होती है वो चार्ट्स पैटर्न जो शेयर्स के होते हैं उनको देख के की जाती है, उसमें इंडिकेटर्स को लगाया जाता है और फिर पता लगाया जाता है कि शेयर ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। इसमें रेजिस्टेंस होते हैं, सपोर्ट्स होते हैं, इनके इंडिकेटर RSI आपको मिल जाएगा, MACD मिल जाएगा, जिनके बारे में शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। बट अगर आप इन चीजों के साथ काम करना चाहते हैं, 1 दिन में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, तो आपको टेक्निकल स्टडी करना बहुत जरूरी है, आपको टेक्निकल सीखना बहुत जरूरी है, जो कि मैं यहां पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है। और टेक्निकल स्टडी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा आपके साथ इस चैनल पे शेयर होगा। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप शेयर मार्केट का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूंगा और खुद आपका फ्री में अकाउंट भी ओपन करवा के दे दूंगा। बट सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि आपको कितनी स्टडी है, कितना पता है, कितना नहीं, कितनी नॉलेज। हाँ, आप मेरे कहने पे चलना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको जो है वर्किंग जो है वो करवा दूंगा, बट सबसे पहले आप लोग टेक्निकल सीखिए, ये बात मेरी ध्यान में रखिएगा। शेयर मार्केट में रिस्क भी है तो प्रॉफिट भी बहुत सारा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।